दोस्तों नमस्कार, अनी कैलाश ब्लॉग में आपका आज एक नई ब्लॉग में फिर से स्वागत है। मैं अपने घर आ चुका हूं, अपने घर, मेरा घर दोस्तों जनपद मुख्यालय बागेश्वर से 12 किलोमीटर की दूरी करौली से 1 किलोमीटर आगे चौरा महतगांव में मेरा घर है। जो इलाके को जानते हैं वो समझ सकते हैं। दोस्तों आज मेरा घर में पहला ब्लॉग होगा, तो दोस्तों मैं आज आपसे अपने मम्मी पापा की मुलाकात कराऊंगा, अपना घर दिखाऊंगा आपको, आपके घर के चारों तरफ का वातावरण दिखाऊंगा। कई चीज़ें हैं दोस्तों आज घर के, नई नई चीज़ें आपको, एक गृहस्थ जीवन आदमी किस तरीके से जीता है, क्या क्या काम होते हैं घर में, आपको सभी चीज़ों से अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहें मेरे वीडियो में, आप आज बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है। तो मैं आज घर में अपने मम्मी पापा से आपका मुलाकात करा रहा हूँ। ये मेरे मम्मी पापा हैं दोनों, पापा हमारे 70-72 साल के हो गए हैं, तब भी अभी जवान हैं। देखो बहुत काम करते हैं घर में, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। हम लोग सुबह घूमते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हम इतने मोटे हैं। ये देख सकते हैं कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं है, सुबह से शाम तक घर में काम करते हैं। तो फिटनेस देख सकते हैं आप इनकी, कोई बीमारी नहीं है इनको। और मम्मी भी है, मम्मी को देखो, मम्मी पापा से हल्की मोटी है, तो शायद लगता है काम थोड़ा कम करती होगी। मुझे बातें करती हूँ, बातें करती हूँ। आप ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा करती है, बताओ। अब ये जाना है, इसको काम जाना है। तो मुझे ज़्यादा, मैं करती हूँ काम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप भी घर में सुबह शाम तक काम करें और अपना फिटनेस रखें। देखिए ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पेट नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों आज हमने मम्मी पापा से मुलाकात करा दी है, दोस्तों देखते रहिए वीडियो, अभी और नई नई चीज़ें दिखाएंगे आपको, इंटरेस्टिंग वीडियो होते रहेगी। दोस्तों मम्मी अब दूध निकालने लग गई है, गाय ब्याई हुई है हमारी, तो आप देख सकते हैं घरों में ये कार्य रहता है एक गृहस्थ जीवन के लिए। दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं, दोस्तों ये हमारी गाय है, देख सकते हैं बड़ी अच्छी गाय है, मारने भी आती है। देखिए ये छोटी सी बच्चिया है गाय की, देखिए आप, नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है। ये मेरा किचन है, ये घर है, ये पुराना घर है जो बहुत पहले का है। ये आंगन है, ये नया घर है, दो घरों के बीच में आंगन है, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये हमारी अगेठी है, इसमें सुबह शाम आग जलाते हैं, आजकल ठंडा बहुत है। तो दोस्तों ये मेरी मम्मी है, नमस्ते। वैसे नाश्ता बना के देखी है, नाश्ता कर ले करके खाना ना रो, तीन चार दफे कह दिया है, खाना खा नाश्ता कर ले करके अभी कह रहा है, खाना नाश्ता करने के लिए नहीं मन खा रहा है। कोई बात नहीं, करो, चलो ले आना, ले आओ। दोस्तों मम्मी जा रही है, नाश्ता ला रही है, मम्मी ने खीर बना रखी है, बहुत बढ़िया खीर बना रखी है आज, अभी दिखाते हैं आपको। ओके दोस्तों ला गई है खीर, ला गई मम्मी। ये खीर में घी भी डाला है क्या? देखिए दोस्तों खीर लाई है, इसमें घी भी डाल रखा है गाय का, काफ़ी सुंदर खीर बना रखी है, देख सकते हैं। दोस्तों घर के दूध की, घर के चावलों की खीर बना रखी है, काफ़ी अच्छी खीर हो रखी है, देख सकते हैं आप, क्या मज़ा आने वाला है आज। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे खेत में हरी लाई हुई है, ये उगा के इतनी बढ़िया बना रखी है मम्मी ने, देख सकते हैं आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। और भी हुई क्या खेत में? पालक, मूली, ये गाजर, धनिया, मेथी सब होती है। तो दोस्तों आज चावल के साथ लाई की सब्जी खाएंगे हम, मम्मी बनाएंगी बहुत अच्छा। दोस्तों ये देख सकते हैं पहाड़ की लाइफ स्टाइल, पेड़ से गाय बच्चियों के लिए पत्ते काट रहे हैं,
इतना बड़ा पेड़ है। देखो पेड़ में गए हैं अपने ऊपर चढ़ के। देख सकते हैं ये पहाड़ की लाइफ स्टाइल, ग्रस्त जीवन, हर किसी के बस का नहीं है दोस्तों। दोस्तों हम आज धान कूटेंगे, देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में धान ऐसे कूटते हैं ओखल में। ये देखिए आप, अभी धान कूटते हुए दिखाएंगे आपको। बाहर को प्लेन्स में तो चक्की में कूटते हैं, लेकिन घरों में अभी भी ये परंपरा चालू है, देख सकते हैं अभी। दोस्तों देखिए पहाड़ों में ऐसे ओखल कूटते हैं, ये इसमें धान डाले हैं, अब मैं ओखल कूट रहा हूँ, देख सकते हैं आप। एक रोक दे, अब दूसरा बनाना, एक काट दे, एक खाली बिना बुलाई वाला बढ़िया। धान कूट रहे हैं पहाड़ों में, घर के रीति रिवाज ये चलते हैं। इसके चावल का अगर आप भात बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो अपने जहाँ जहाँ घरों में व्यवस्था है तो आप ऐसी ही, ये मूसल है, ये ओखली है, इसको ऐसे कूटते हैं।